गाजा इसराइल वॉर जोन से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने जिस बात का उन्हें डर सता रहा था, अब वही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाजा की गलियों में घुस चुकी है आईडीएफ के जवानों और टैंकों को हमास के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से निशाना बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हमास ने आईडीएफ की 25 से ज्यादा गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने यह भी साफ कह दिया है कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर इसराइल का कब्जा होगा, अनिश्चित काल तक के लिए कब्जा होगा, और तब इसराइल एक नया गाजा बनाएगा जिस पर उसका पूरा नियंत्रण रहेगा। गाजा की गलियों में हमास के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। हमास के इलाके में घुसकर उसके लड़ाकों का शिकार कर रही है आईडीएफ। खुले मैदान में खड़े होकर हमास को ललकार रही है आईडीएफ और गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं हमास के लड़ाके। गाजा की वीरान हो चुकी गलियों में अब सिर्फ हमास बचा है, जिसे खत्म करने पहुंच चुकी है इसराइल डिफेंस फोर्स। उत्तरी गाजा से घुसी सेना अब पूरे गाजा शहर को अपने कब्जे में ले चुकी है। पूरे गाजा शहर को आईडीएफ घेर चुकी है, जिसका मतलब है कि अब गाजा शहर में मौजूद हमास के लड़ाकों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उनके सामने आईडीएफ से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन हमास के कायर लड़ाकों में ना इतनी हिम्मत है और ना ही इतनी ताकत कि वो आईडीएफ के सामने आकर उसे युद्ध के लिए ललकार सके। इसीलिए हमास की अल कासम ब्रिगेड की लड़ाके गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ के जवानों और टैंकों को रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं। गाजा में घुसकर हमास का सफाया करना इसराइल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा है। आईडीएफ जानती थी कि गाजा में घुसने पर वो चौतरफा हमास के निशाने पर होंगी, उन पर कहीं से भी हमला हो सकता है, लेकिन यही तो इसराइल की पहचान है। इसराइल ने उस लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम दिया है और कहा है कि ये यहूदियों का वजूद बचाने की जंग है। इसीलिए तमाम खतरों के बावजूद आईडीएफ हजारों जवानों, स्नाइपर्स यूनिट, पैरासूपर्स और सैकड़ों टैंकों के साथ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। शनिवार को आईडीएफ पर हमले का ये वीडियो जारी करते हुए हमास ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक इसराइल के 160 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इनमें से इसराइल के 25 से ज्यादा सैन्य वाहनों को पिछले 48 घंटों में तबाह करने का दावा किया गया है। تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة الأخيرة في مواجهة غير متكافئة لكنها हालांकि इजरायली सेना को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में खुद हमास के लड़ाके भी मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि युद्ध की शुरुआत से अभी तक गाजा की तरफ से इजरायल पर दागे गए करीब 1000 रॉकेट गाजा में ही गिर गए, जिसमें गाजा के आम निवासी मारे गए।
उधर इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपना प्राण दोहराते हुए कहा कि गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देने तक इसराइल की सेना चैन की सांस नहीं लेगी। המלחמה נגד חמאס דאש מתקדמת במלוא עוצמתה ויש לה מטרה אחת, לנצח. כוחות צהל השלימו את כיתור העיר עזה, הם פועלים בלב העיר, הם בפעתי בית החולים שיפה, הם חיסלו אלפי מחבלים, כולל מפקדים בכירים ורבי מרצחים שהיו בין אלה שהובילו את הטבח הנורא הזה ב... एक महीने की बमबारी में इसराइल ने गाजा को जिस पाषाण युग में पहुंचा दिया है, वहां से दोबारा सब कुछ सामान्य कर पाना अकेले गाजा वासियों के बस की बात नहीं है। इसीलिए इसराइल ने तय कर लिया है कि वो पहले गाजा की ईंट से ईंट बजाएगा और हमास का हर निशान मिटा देने के बाद नया गाजा बनाएगा। ऐसा गाजा जिसका कंट्रोल हमेशा के लिए इसराइल के हाथों में रहेगा और गाजा की धरती से फिर कभी एक भी रॉकेट इसराइल की धरती पर नहीं गिरेगा। קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת עם יכולת להיכנס מתי שרוצים כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה, לא יהיה חמאס. इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक हमास के 2000 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है, जिनमें हमास के सीनियर कमांडर भी शामिल थे। और जब तक गाजा में हमास का एक भी लड़ाका या कमांडर जिंदा है, तब तक गाजा का जरा